नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ज्यामिति के कुछ वास्तविकताओं को समझेंगे। जिसके आधार पर परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज पहले हम लोग शुरुआत करते हैं त्रिभुज से। त्रिभुज, जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, त्रिभुज मतलब तीन भुजा। जिसकी तीन भुजा हो उसे त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा हमेशा के लिए 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। वास्तविकता नंबर एक। वास्तविकता नंबर दो, त्रिभुज के बहिष्कोण, ये बहिष्कोण हो गया, त्रिभुज के बहिष्कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अर्थात कोण सी बराबर कोण ए जोड़ कोण बी, ये हमेशा हमेशा के लिए सत्य है। वास्तविकता नंबर तीन, त्रिभुज के किसी भी दो कोणों का योग हमेशा तीसरी कोण से बड़ा होता है। जैसे कोण ए जोड़ कोण बी ग्रेटर देन कोण सर्वांग समता के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। सर्वांग समता, जैसा कि देख रहे हैं, सर्वांग समता मतलब सर्व अंग समान। यदि दो त्रिभुज के सभी अंग समान हो तो उसे ही सर्वांग समता कहते हैं। तो इसके लिए कुछ कंडीशन है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। अगर दो त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण आपस में बराबर हो जाए, यदि दो त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण आपस में बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। अर्थात अंग अंग बराबर हो जाता है। इस कंडीशन में जैसे ए बी बराबर डी और बी सी बराबर ई है और कोण बी और कोण ई बराबर है तो बाकी रेस्ट कोण इसीलिए आपको हो जाएगा ए सी बराबर डी एफ, कोण ए बराबर कोण डी और कोण सी बराबर कोण एफ। ये तो रूल नंबर एक हो गया आपको। रूल दो, अगर दो त्रिभुज की दो कोण, अगर दो त्रिभुज की दो कोण और एक भुजा भी बराबर होगा तो भी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। अर्थात सर्वांग समान हो जाएगा। ये रूल दो, अगर दो त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा यदि बराबर हो तो भी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अर्थात त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम, ये सर्वांगसमता का चिन्ह है। त्रिभुज डी ई एफ अगर सर्वांगसम हो गए तो फिर वही बात, अन्य सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाएगी। अर्थात ए बी बराबर डी ई, ए सी बराबर डी एफ, कोण ए बराबर
कोंडी, ये सर्वांग समता के दूसरे नियम हो गए। अब आते हैं सर्वांग समता के तीसरे नियमों पे। अगर दो त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर हो तो भी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, अर्थात अंग अंग समान हो जाएगा, अर्थात त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ। अब जब ये बराबर हो गया तो सभी कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा, इसलिए कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ। ये आप देख रहे हैं, जैसे सर्वांग समता होता है तो फिर इसके प्रत्येक अंग एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। अब देखते हैं सर्वांग समता के नियम चौथे नियमों को। अगर दो समकोण त्रिभुज के एक समकोण बनाने वाली भुजा और एक कर्ण समान हो तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। आप लोग जैसे जानते हैं जो 90 डिग्री के सामने की भुजा समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है, तो यहाँ पे देखिए एक समकोण, एक भुजा और एक कर्ण आपस में यदि बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। ये रूल नंबर 4 है। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसमता त्रिभुज डी ई एफ, ये समकोण त्रिभुज के लिए, इसको हम बोलते हैं आर एच एस सर्वांगसमता से, अर्थात राइट एंगल हाइपोटेनस कर्ण और साइड भुजा, अर्थात जिस त्रिभुज की एक समकोण, एक कर्ण और एक भुजा आपस में बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम होता है, उसका अंग अंग आपस में बराबर होता है, अर्थात ए बी बराबर डी ए डी ई कोण ए बराबर कोण डी, कोण एफ बराबर कोण सी बराबर कोण एफ। दोस्तों इस प्रकार हम देखते हैं ये वास्तविकता जो है, जब सर्वांगसम होता है तो बहुत सारी बातें आपस में इक्वल हो जाती है, जिसकी जरूरत हमको परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हुए इसकी जरूरत होती है। कभी कभी आपको डायरेक्ट ये सर्वांगसमता के नियम को ही पूछ लिया जाता है जो ये किस नियम पे आधारित है। यदि प्रश्न में पूछ दिया किसी समकोण त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज का समकोण बनाने वाली भुजाओं में से एक भुजा और एक कर्ण तथा एक समकोण आपस में समान हो तो उस त्रिभुज को क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं, सर्वांगसम कहते हैं, इनमें से कोई नहीं, दोनों, तो इसमें सीधा सीधा आंसर हो जाएगा जब इतनी बातें हैं आर एच एस सर्वांगसमता से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए वास्तविक तथ्यों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।